नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान है और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। सो वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। और हम हिंदी में क्या सीख रहे हैं? हिंदी में हमारा चैप्टर नंबर 4, आ से औ तक की मात्रा वाले शब्द, पार्ट 5। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में कौन सी मात्रा सीखी थी? हाँ, बड़े ई की मात्रा। तो आज हम मिले हैं छोटे ऊ की मात्रा सीखने के लिए। तो आप सब तैयार हो ना? तो चलो हम सीखते हैं, लेट्स गो। तो आज हम सीखेंगे छोटे ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे कैसी दी गई है? ठीक है, कर्व शेप में नीचे से है। ऊ की मात्रा मतलब कुसुम की जुराब। ओके, तो आज हम छोटे ऊ की मात्रा सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, पढ़ो और समझो। तो आपको यहाँ पर किसका चित्र दिया गया है? उसी का इधर नाम है, मतलब प वत्ता छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल बराबर पूल। क्या पढ़ा जाएगा? पूल। मतलब आप कोई भी व्यंजन के साथ ऊ को बोलेंगे, जैसे कि कू, तो पीछे कौन सा टोन आता है? ऊ का। ठीक है, कू खू गू घू, बराबर। तो कैसे बोला जाएगा उसे? कू खू गू घू चू छू। ओके, तो बीच लास्ट में कौन सा टोन हमें सुनाई देता है? ऊ का। ठीक है, तो ग प्लस छोटे ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब बराबर गुलाब। क्या बोला जाएगा? गुलाब। चलो अब हम शब्द पढ़ते हैं। सुन धून चून कूल सुमन जुराब जामुन साबुन गुनगुना बुलबुल। ठीक है, इसमें जो पिंक कलर से आपको दी गया है वो कौन सी मात्रा है? छोटे ऊ की मात्रा। ठीक है, सुन धुन चुन कुल सुमन जुराब जामुन साबुन गुनगुना बुलबुल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, हमारे चित्र के रिलेटेड है, और उसमें जो भी पिंक कलर से आपको दी गई है वो छोटे ऊ की मात्रा है। चलो हम इसे पढ़ते हैं। एक चूहिया थी, वह बहुत चुलबुली थी। ठीक है, कौन थी? चूहिया थी, आपको चित्र में दिख रहा है ना। एक दिन वह कुसुम की जुराब कुतर गई। कुतर गई जुराब यानी सॉक्स, उसको काट लिया। ठीक है, तब कुसुम बहुत उदास हुई, तभी उसकी नानी आई नई नई जुराब लाई। नई जुराब पाकर कुसुम नाच उठी। फिर सुमन गुलाब जामुन लाई, सब खाकर खुश हुए। ठीक है, तो ये है हमारे छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द और हमारा पैराग्राफ। ठीक है, तो आज हमने कौन सी मात्रा सीखी?
छोटे उ की मात्रा, ठीक है। तो हम इस वीडियो में यहाँ तक ही रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका वीडियो भी देखेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। तो आप सब तैयार रहना उसका अभ्यास और उसका वीडियो देखने के लिए, ताकि हमें दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।